हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज का ये जो वीडियो है, मैं एक स्टोरी के साथ आप लोगों के साथ शुरू करने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। वैसे भी स्टोरी से आप लोग ये समझ ही जाओगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। स्टोरी है एक माँ बाप की और उनके साथ उनके बहू और बेटे की। एक बार क्या होता है कि एक फैमिली में, वैसे तो ये कॉमन है आजकल, एक फैमिली में काफ़ी झगड़े चल रहे होते हैं। तो उनके जो पिता होते हैं वो काफ़ी ओल्ड एज होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बहू से उनकी नहीं बनती। तो वो डेली उनको बोलती है कि तुम इनको घर से निकाल दो, तुम इनको बाहर छोड़ाओ कहीं भी। तो डेली झगड़ा होता है। तो वो कहीं ना कहीं बेटा भी वो बात सुन के अपने पिता को लेके कहीं दूर जाने के लिए रेडी हो जाता है कि हाँ, मैं इनको कहीं छोड़ आऊँगा रोज़ रोज़ के झगड़ों से। तो जब वो उनको लेके जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके उसके पिता के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि ऐसे करना, जब तुम मुझे उस नदी में फेंकोगे ना, तो थोड़ा सा दूर करके फेंकना, ताकि कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें वहाँ फेंकने जाए ना, तो वो तुम्हें उससे भी ज़्यादा दूर फेंके। तो उसके बेटे को ऐसे एकदम से अचानक से ये लगा कि हाँ, ये टाइम तो मेरे ऊपर भी आना है। तो तब उसको जाके ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कि मैं अगर आज अपने पिता के साथ ये चीज़ कर रहा हूँ, तो कल को मेरा बेटा भी मेरे साथ शायद ऐसा ही सलूक करेगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने को ये नहीं बोल रहे थे कि मुझे तुम वहाँ मत छोड़ के आओ, लेकिन उन्होंने ये बोला कि तुम अपने लिए भी वहाँ जगह रख लेना। क्योंकि आज का टाइम जो बच्चे हम लोगों को जैसा करते देखते हैं, वो आगे जाके हमारे साथ भी वैसा ही करने वाले हैं। ये सब जानते हुए भी हम लोग उन चीज़ों को, उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। माता पिता हमें इस दुनिया में लेके आते हैं। वो एक पेड़ की तरह होते हैं। जो पिता होता है, जो वो पेड़ होता है ना, वो कभी भी थकता नहीं है, झुकता नहीं है। वो हमेशा हमारी ख्वाहिशें पूरे करने में लगा रहता है। और हमारी माँ हमारे लिए वो हर चीज़ करती है जो हमें दुनिया से बेटर देने की कोशिश करती है ना। हम लोग, वो हमारे लिए इतनी चीज़ें करते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने टाइम पे हमारे लिए अपनी कितनी इच्छाएं, अपनी कितनी चीज़ें, अपना हर चीज़ उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। तो आज जब उनको हमारी ज़रूरत है, तो हम लोग क्यों इन चीज़ों से भागते हैं? क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि हम भी उनके साथ, जैसे वो हमें बच्चे थे जब हमें खिलाते थे पिलाते थे, तो आज जब उनको हमारी ज़रूरत है, तो हम भी उनको वैसे ही ट्रीट करें, है ना? तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, उनका वो ड्यूटी था, उन्होंने अपना काम किया, अब हम अपने बच्चों के लिए करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। तो उनका इसमें क्या कसूर है? वो कहाँ जाएंगे इस उम्र में? तो जो आजकल हम लोग देखते हैं लोगों के साथ हो रहा है, कि बुजुर्गों को बाहर निकाल देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या उनको एक टाइम का खाना देना भी उनको गवारा नहीं होता। उनको लगता है कि नहीं, हमें नहीं, अगर वो उनको पैसे देते हैं तो ही वो खाना बना के देते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज़ें क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पैसे की और हमारे अंदर वो अकेला रहने की और फैमिलीज में एडजस्ट ना करने की वो इतनी हैबिट हो चुकी है कि हम लोग सोचना ही नहीं चाहते कि ठीक है, उन्होंने अपनी ड्यूटी कर दी, अब वो अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं होता। आप मान लो, चलो, बहुत सारे लोग, ये नहीं कहते हो कि सभी बुरे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से ये ड्यूटी कर रहे हैं कि हम उनको पैसे भेज रहे हैं, हम लोगों को उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम उनको सब कर रहे हैं, बस हमारी ड्यूटी वहीं तक है। तो उससे भी कहीं ज़्यादा उनको आपके वक्त की ज़रूरत है। अगर आप उनको अपना टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, तो वो पैसा, वो चीज़ें उनके किसी काम की नहीं है। तो इस एज में जाके पेरेंट्स को बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है। आपके साथ वो हंसना चाहते हैं, आपके परिवार को वो बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो वो आपके दुख अपने ऊपर अभी भी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं भी इस चीज़ को लेके परफेक्ट हूँ, या मैं इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बोल रही हूँ। मैं भी, हो सकता है मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ होंगी, लेकिन जो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें अभी भी नहीं सीखेंगे, तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है, वो हमारे साथ भी वैसा ही करने वाली है। तो
आप लोग ये मत समझिए कि उनको आपने मेडिसिन दे दी, आपने उनको घर पे रहते हैं तो उनको खाना दे दिया, उनकी इतनी सी टेक केयर से वो सब हो जाएगा। उनको आपके वक्त की भी ज़रूरत है, आप उनके साथ अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो वो वक्त उनका, वो टाइम उनका बहुत अच्छे से निकलेगा। सो मैंने ये देखा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ड्यूटी सिर्फ लड़कों की है। आजकल लड़कियां अपने हक के लिए हर जगह पे जाती हैं ना, तो अगर आप अपने माँ बाप से ये एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ हमें भी हमारे भाई जैसे, हमारे जैसे उनको सब मिला है तो हमें भी मिले, तो उनको भी माँ बाप को संभालने की इक्वल ड्यूटी बनती है। ये सिर्फ लड़कों की ड्यूटी नहीं है, ये हम बेटियों की भी ड्यूटी है कि हम अपने माँ बाप की टेक केयर करें, एटलीस्ट उनको पूछें, एटलीस्ट उनको बात करें, उनसे उनसे पूछें कि वो कैसे हैं। आप उनको अपने पास नहीं रख सकते या आप उनके पास जा नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको फ़ोन पे या उनसे बात भी मत करो। आप एक बार उनको फ़ोन करते हो तो उनको 10 गुना खुशी होती है कि हाँ हमारे बच्चे ने हमें, हमारी बेटी ने हमें पूछा। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपको बेटी को भी, जब हम बाकी चीज़ों में हर जगह पे आगे हैं कि हम हर जगह काम कर रहे हैं, हम बराबर का हक चाहते हैं, तो इस जगह पे भी हमें अपने माँ बाप को, लड़कियों को भी बराबर का हक होता है अपने पेरेंट्स की देखभाल करने का। जैसे वो अपने सास ससुर की करते हैं, ऐसे ही अपने माँ बाप को भी उनको देखना चाहिए, पूछना चाहिए, है ना। ये नहीं होता कि आपकी शादी होगी तो आप उनको नहीं, बेटियों को वैसे ये चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ जाती है कि हाँ अब तो भैया की ड्यूटी है, भाभी की ड्यूटी है, वो संभाले। ऐसा नहीं है। मैं ये पॉइंट इन दोनों के लिए रखना चाहती हूँ कि बेटा और बेटी अगर आज के टाइम में दोनों हर चीज़ में इक्वल राइट रखते हैं, तो उनको माँ बाप को संभालने के लिए भी इक्वल राइट उनका बनता है। तो उनको अपने माँ बाप को भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही टेक केयर करना चाहिए। सो इस वजह से आज मेरे को ये बात आपसे शेयर करनी पड़ी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से न्यूज़ में और हर जगह यही चीज़ सुन रही हूँ कि अपने बुजुर्ग माँ बाप को बाहर निकाल दिया और उनकी कोई टेक केयर नहीं है। आज वो ऊंचे पद पे हैं, वो खाना खिला रहे हैं लोगों को, लंगर खिला रहे हैं, और बाहर उनके माँ बाप उस सिचुएशन में हैं कि वो अपने आप को देखभाल भी नहीं कर सकते और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो दिखावों में कुछ नहीं पड़ा। आप ये दिखाते भी हो ना कि हाँ हम तो बाहर लोगों की बहुत सेवा करते हैं, हम यहाँ दान करते हैं, वहाँ, मैं क्यों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं मंदिर गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर पे रह के, आप अपने जो घर पे आपके जो ओल्ड एज जो लोग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके जो भी हैं, उनको आप घर पे अगर देखभाल करोगे तो वहीं आपका मंदिर गुरुद्वारा है। सो आप लोगों को मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने अपने माँ बाप को वक्त दीजिए, सबसे बड़ी बात, और उनकी टेक केयर कीजिए ताकि उनका जो टाइम बचा है वो इजीली और अच्छे से निकल जाए। हम लोगों के साथ भी वही वक्त आने वाला है, ये चीज़ हमें सबको समझनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपने लिए तैयार हो जाना चाहिए उस चीज़ को लेके कि हमारे साथ भी ये चीज़ होने वाली है। तो मेरा दोनों से ही, बेटा और बेटी दोनों से ही ये रिक्वेस्ट है। हाँ, आपके अगर कोई भाई बहन भी दुखी हैं, आप फाइनेंशली, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हैं, तो आप उनकी मदद कीजिए, आप उनको पूछिए। ये ना हो कि जब वो वक्त वक्त निकल जाए तब हम सोचते रह जाएं, यार उस टाइम हमने उनसे पूछा होता तो काश हम उनकी कुछ हेल्प कर पाते, तो आज उनके साथ ऐसा ना होता। सो मेरा वही है कि आप वक्त रहते हर रिश्ते को समझिए और उसको पूछिए, एटलीस्ट एक फ़ोन कॉल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर हम नहीं पूछेंगे तो हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला और क्या हो जाए, तो बाद में हम लोग उस चीज़ को पछताएं। तो उससे बेटर है कि हम लोग आज ही अपने रिश्तों को संभालें, ख़ास तौर पे अपने माता-पिता को, उनको, उनकी सेवा कीजिए। ये वक्त उनको, आप जैसे उन्होंने आपके लिए पूरी लाइफ बिता दी है, आप भी उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के उनकी सेवा या उनसे बातें कीजिए ताकि उनका टाइम अच्छे से निकल पाए और हमें भी अपने ऊपर गर्व हो कि हमने एटलीस्ट कुछ अच्छा किया। सो इन्हीं बातों के साथ आज का ये जो वीडियो है मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। होप आप लोग मेरे से सहमत होंगे और आप भी ये चीज़ मानते होंगे कि यस, हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं तो उनको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। और स्पेशली पेरेंट्स जो हमें इस दुनिया में लेके आए हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार दीजिए और उनके साथ वक्त स्पेंड कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।